Hi guys, welcome to my other channel, another video. Today we are discussing about ppssp emulator. If you download the Play Store, you can use the PSP ISO file. That means you can use ppssp emulator to use game on PSP. अरे PSP को फाइल फॉर्मेट कॉस्ट होने चाहिए तो अबे जस्ट अबे कंप्यूटर विंडोज कंप्यूटर में तब पहले exe फाइल इम्यूलेट करने चाहिए exe फाइल चलाने चाहिए एक्सेक्यूटेबल फाइल बनने चाहिए तो exe फाइल लाई रत्तेश को मैं देखने तब पहले गेम वाले चलाने चाहिए अरे PSP में जस्ट अगर PSP में CSO ISO फाइल भी गेम चलाने चाहिए तो फाइल फॉर्मेट एरर जस्ट रुकना होने चाहिए अरे तब पहले PP अब मतलब प्लेसर पड़े देखेंगे प्लेसर पड़ा PPSPP वाटर डाउन करने है ना तो शायद तब ये सीखे तो रखने पड़ते ना वाला तोरमो तो जस्ट मैं देखेंगे PPSPP मिलेगा PSP मिलेगा कौन तो ये लेके रहते थे तोरमो ये PSP को गेम वाले चलो ना ये मो यही मिलेगा रू यही मिलेगा चलो जूर और PPSPP माने PSP मिलेगा सा तो तबाले पहली तबाले लाई इंस्टॉल करने बने उनसे इंस्टॉल कर सकते हो तबाले मज़ेल चलाऊँ सकते हो अरे इंस्टॉल कर सकते हो कि और ना फ़ोन दहरे तबाले ऐप नो वो वेब ब्राउज़र में जाने वाली है यूसी मिनी वेब ब्राउज़र में जाने वाली है अने यूसी मिनी वेब ब्राउज़र में कैसे करो ची पीएसपी अब पीएसपी को कौन गेम आता तबाले डाउनलोड करने मंगा सकते इसको पीएसपी PSP को कौन अब डाउन करने में मंगा से गेम तो गेम का नाम लेने में स्टाप आ लेता है और देख पसी आईएसओ फाइल वाला तो आईएसओ फाइल वाला सर्च करने सर्च वाला है तो वाले जाती बनी वेबसाइट है रिवेट में सकने जा सरफेस वेब है रू और देख पसी तो वाले डाउन करने सकने जा जस्ट आई अब तो वाले यदि प्लेसेशन कॉलेज में चलाने वाला है ना तो फर्स्ट टाइम तो वाले डाउन करने चाहने चाहने प्लेसेशन को कुने भी नहीं गेम था चाहने तो वाले फर्स्ट टाइम अब पीएसपी सुनी रखने वाला है पीएसपी गेम्स आई ऐसे फाइल बना रहे थे ऐसे भी सर्च करने सकते हो सर्च करने सके वैसे तो वाले दो तीन वाले बनी है तो बनने सकते हो मुझे ये मुझे कौन वेबसाइट यूज़ करते हो हमारे फ्री रूम्स डॉट कॉम बने वेबसाइट है तो वे और वेबसाइट पर बन डाउनलोड सकते हो मुझे जी पहली यो वेबसाइट पर डाउनलोड कर रहे हैं गेम अरे चलो बहन चले के बाया था मोदी यो वेबसाइट है रू यो वेबसाइट लाइस है मोर रिकमेंडेशन में लाओ देशु गुड़ा ये ता तबाई ले प्लेस्टेशन पोर्टेबल सुनिए प्लेस्टेशन पोर्टेबल गेम अरे वेटर्न सबसे मोस्ट पॉपुलर इ तबाले अब ये तो एन सब कुछ गोस्ट ऑफ वार बने रहे एन सब कुछ मोस्ट पॉपुलर में हमारे लिए गए मोस्ट पॉपुलर गेम में ये तो गोस्ट ऑफ वार बने जा इसके लिए डेरु बहुत डेरु दे ही रहा है ऐसे 7.5 आउट ऑफ 10 बने कुछ निकल रहा हमरे नहीं हो ड्रैगन बॉल जे सीन बुरुकाई ये मले कुने मनी गेम ऐसे खेले थे ना मले बेंडन के एवढा बेंडन गेम डाउन कर रहे थे बेंडन गेम खेल रहे थे एवढा निकल रहा मले नहीं थे बेंडन ऑटोमेटिक बिल्कुल एक्सर्ट एक्स आई ऐसे फाइल डाउनलोड करने तो बानू तब अलग गूगल में सर्च कर सकते हो चाहिए अलग और तब अलग जून गेम अब ऐसा बट डाउन करना मतलब सब तो ये गेम तब अलग क्लिक कर देना उस और ये तो 13 सेकंड 12 सेटिंग के सेकंड बने रहा दे हो जाए ऐसे तब अलग यूसी मिनी वाला डाउन करते हो उनसे ये जून स्पीड मोड उनसे तला चाहिए स्पीड मोड ले चाहिए और दिन उस तेले करता हरी मतलब ये सेकेंड डेरू मिनट डेरू दिया उसे इतनी माँ स्पीड मोड में लाया रबन दहेज़ नहीं चुमा स्पीड मोड में क्या उधर ऐसा स्पीड मोड में ये रैम रख दे है ऐसा ही ना तो ये बार माँ स्पीड मोड ले ऑफ कर दूँगी अगर तो भाई ओपेरा मिनी में मैंने जैसे ओपेरा मिनी फास्टेस्ट ब्राउज़र बना दे चलो मुझे बने तो ओपेरा मिनी को मैंने एक्सट्रीम स्पीड मोड बना रहा हूँ जैसे एक्सट्रीम सेविंग मोड डाटा सेविंग मोड तेल ऑफ करने के नाम है यो जावास्क्रिप्ट है चलो बहुत जावास्क्रिप्ट में चली गई यो 13 12 11 कमांड से शुरू देना रहे तो तबाई लोग मॉडल देखने सोचने में और तबाई अल्टरनेटिव डाउनलोड लिंक में मैंने क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं वह डायरेक्ट डाउनलोड बनी कर सकते हैं डायरेक्ट डाउनलोड में चीज़ जाकर बेची थी 1.09 जी ले ही रहा सही हो मानो जी भी हो
यत्र यत्र डाउनलोड गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस। अब तपाईँले अब यो फाइललाई चाहिँ कसरी मिलाउने होला, तपाईँले यो फाइललाई मिलाइराख्नु पर्दैन। तपाईँले जस्ट जुन फाइलमा डाउनलोड गर्नुभएको छ, अब जस्तै फोन स्टोरेज भयो, अब फोन स्टोरेजमा बसेको छ भने तपाईँ फोन स्टोरेज जहाँ डाउनलोड भएको छ त्यहीँ छोडिदिनु सक्नुहुन्छ। अरू एन्ड्रोइड गेम जस्तो मुस्किल हुँदैन, यसलाई जहाँ छ त्यही छोडिदिनुहोस्। र जस तपाईँले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो गेम कहाँ डाउनलोड भएको छ, यसको फाइल कहाँ सेभ भएको छ, त्यो मात्र थाहा पाउनुपर्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि तपाईँले जस्तै मेरो एट बेन्ट एन एलियन फोर्स भेलगेक्स एट्याक्स आइएसओ भन्ने फाइल छ, त्यो मेरो इन्टरनल मेमोरीमा सेभ भइरहेको छ, 1.46 GB छ। मलाई थाहा छ यसको फाइल कहाँ सेभ भएको छ भनेर। अब मैले सिम्पली के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब इन्टरनल मेमोरीको कुनै पनि फोल्डरमा नराखिकन मैले डाइरेक्टली इन्टरनल मेमोरीमै सेभ गर्ने गर्छु, कि जसले गर्दाखेरि मलाई ppssp एप्लिकेसनमा त्यो फाइलहरू भेट्न मुस्किल पर्दैन। त्यही भएर मैले फोल्डरमा नराखेको, कुन फोल्डर फोल्डरदेखि झुकिन्छ, फोल्डरमा नराखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यता डाइरेक्टली देख्न सकिन्छ, यता तल जाँदै जाँदाखेरि यता बेन्डिङ भिल्टेज एट्याक हुन त देखिरहेको छ। र तपाईँले ओपन गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि तपाईँले खेल्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसको गेमको अलिकति डेमो देखाइदिन्छु तपाईँलाई। र तपाईँले कन्ट्रोलहरू सिक्नुपर्छ, यो ppssp भनेको यो प्ले स्टेसनको कन्ट्रोलहरू सिक्नुपर्छ तपाईँले। अब यसले भनेको मान्छेले क्यारेक्टरलाई यताउता हिँड्ने काम गर्छ, एक्सले भने चाहिँ तपाईँले अब जम्प गर्न सक्नुहुन्छ, यो स्क्वायर बटनले चाहिँ तपाईँले हान्न सक्नुहुन्छ एनिमीहरूलाई, दुश्मनहरूलाई। र यो बटनले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टहरू हुन्छ, जस्तै अब एउटा गेममा कम्प्युटर छ अरे, त्यो कम्प्युटरलाई चलाउन इन्टरेक्ट गर्नु, जुनै पनि अब्जेक्टसँग इन्टरेक्ट गर्न चाहिँ तपाईँले यो गोलो बटन छिर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै म बेन्डेन खेलिरहेको छु, बेन्डेन एलियन फोर्स भेलगेक्स एट्याक्स भन्ने खेलिरहेको छु। अब यसलाई गर्नको लागि एलियनहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो बटन छिचेर तपाईँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र बेन्डेन एलियन फोर्स र बेन्डेन अल्टिमेट एलियनमा धेरै फरक छ। अब बेन्डेन अल्टिमेट एलियनमा चाहिँ यो बटनहरू छिच्दाखेरि तपाईँले सिधै एलियनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ, र भने बेन्डेन एलियन फोर्समा चाहिँ तपाईँले यो बटन छिचेर अनि यो बटन छिच्नुपर्छ। यो बटनले चाहिँ एलियन चुज गर्ने काम गर्छ, यो बटन र यो बटनले, लेफ्ट र राइट बटनले प्रिभियस अनि नेक्स्ट, यो भनेको प्रिभियस भयो, यो भनेको नेक्स्ट भयो। र यसले चाहिँ तपाईँले एलियन चुज गरेर सेलेक्ट गरेर तपाईँले त्यो एलियनमा ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ। र तपाईँलाई अर्को ट्युटोरियल पनि देखिहाल्छु तपाईँलाई, यो अब तपाईँले फाइलहरू मिलाइराख्नु पर्दैन, तपाईँले जस्ट डाइरेक्टरी कहाँ छ तपाईँको फाइल त्यो थाहा पाउनुपर्छ। र ppsspppमा अलिकति बग पनि छ, अथवा तपाईँले यसरी ब्याकग्राउन्ड अब यसलाई छोडेर अर्को एप्लिकेसन चलाउनु हुँदैछ, अब फेरि यो ppsspp एप्लिकेसनमा गएपछि तपाईँले यता ब्ल्याक स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले जुन अब गेम खेलिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ फाइल सेभ गरिदिनुहोस्। फाइल सेभ गर्नको लागि सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो ब्याक बटनलाई छिट्नुहोस्, अनि अब सेभ स्टेट र लोड स्टेट भनेर आइरहेको छ। सेभ स्टेटमा छिटेपछि त्यो तपाईँको जुन पोजिसन छ, जुन लेभल छ, त्यसमै सेभ हुन्छ गेम। अनि अब त्यही लेभलदेखि खेल्नु पऱ्यो, अब तपाईँले अब कारणवश अब तपाईँले यो गेम छोडेर जानु पऱ्यो र अर्को दिन खेल्छु भन्दाखेरि अब तपाईँले सेभ स्टेट गर्नुहोस्। सेभ स्टेट गरेपछि तपाईँको लेभल सेभ भइहाल्छ, जहाँ जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहीमा सेभ भइहाल्छ। अब लोड गेम गरेपछि अर्को चोटि खोल्दाखेरि तपाईँ लोड गेम गरेपछि त्यही लेभलदेखि सुरु भइहाल्छ। र थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियोज, एन्ड आई होप यु सब्सक्राइब माई च्यानल, एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।